दोस्तों, सभी बैंक और एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर्सनल लोन ऑफर कर रही हैं अपने कस्टमर्स को। तो अगर आपको पैसों की सख्त जरूरत है, लिक्विडिटी क्रंच है या कैश क्रंच है, तो आप ये पर्सनल लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। इस लोन को COVID-19 लोन भी बोला जा रहा है, और वो इसीलिए बोला जा रहा है कि COVID-19 यानी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के माहौल में अगर किसी को फंड्स की जरूरत है, कैश की जरूरत है, तो वो अपने बैंक के थ्रू पर्सनल लोन अप्लाई कर सकता है। इसी कारण से इस लोन को COVID-19 लोन भी बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे इस लोन के बारे में सारी डिटेल्स, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, रीपेमेंट टर्म्स क्या होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि जान पाएं इस लोन के बारे में सारी डिटेल्स। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पर्सनल लोन या COVID-19 लोन 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। आप अपने बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कितना लोन मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर में। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर किसी का हाउसिंग लोन चल रहा है तो हाउसिंग लोन के बेसिस पर भी आप ये पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू, यानी कि जिस बैंक में आपका ये लोन चल रहा है। इस लोन का टेन्योर 6 मंथ से लेके 5 साल तक है, यानी रीपेमेंट करने के लिए आप जो ईएमआई बनवा सकते हो वो 6 महीने से लेके 5 साल तक के लिए बनवा सकते हैं। प्रीपेमेंट अगर आप करना चाहें, यानी अगर लॉकडाउन खुल जाता है और आपके पास पैसे आ जाते हैं, और अगर आप प्रीपेमेंट करना चाहें तो प्रीपेमेंट के कोई चार्जेस नहीं है। हालांकि लोन अप्लाई करने पे जो प्रोसेसिंग फीस लगता है वो लगेगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये पर्सनल लोन काफी सस्ता मिल रहा है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और मैक्सिमम 15% है। तो 8% से 15% के बीच में आपको ये लोन मिल सकता है। डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर में और आपके नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर में। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको अपने बैंक के ब्रांच में बात करना होगा, जहां पे आपका अकाउंट है, या अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो जिस भी ब्रांच से आपका हाउसिंग लोन चल रहा है आप उस बैंक के ब्रांच में जाके पता कर सकते हो कि आपके बैंक ने क्या फॉर्मेलिटीज तय की है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप अपने बैंक के थ्रू ये पर्सनल लोन या कोविड लोन अप्लाई कर सकते हो, और बहुत जल्दी ये प्रोसेस होके आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।